अगर स्नोवा की साइट को आप कभी विजिट करें तो यू विल कम इन टू नो कि इट्स द नियरेस्ट सोसाइटी नियर टू M2 मोटरवे, ठीक है। दूसरा, इनका जो इंटरचेंज है वो भी अप्रूव हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, आई हिना शाहिद फ्रॉम amana.com एंड आई एम वर्किंग हियर एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। मोस्टली अगर हमारे क्लाइंट्स हैं जिनकी अभी क्यूरीज आ रही हैं, बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जो फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, आज का इवेंट उन लोगों के लिए था। अगर जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं तो डेफिनेटली उनके कंसर्न्स आते हैं, उनके क्यूरीज आते हैं कि सोसाइटी की डेवलपमेंट कैसी है, हर चीज़ कैसे चल रही है, जो अपकमिंग जो फीचर्स है सोसाइटी में या अपकमिंग जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस है वो किस हवाले से या कैसे चलेगा। तो आज का जो इवेंट था हमारा जो नोवा सिटी का, वो फाइनली सारा जो है इसी हवाले से है और जो इन क्वेश्चंस और जो क्यूरीज हैं इनको समाप्त करेगा। जो दूसरा हमारे जो क्लाइंट्स हैं जिनका ये क्वेश्चन आता है कि हमें फ्यूचर में नोवा में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितना प्रॉफिटेबल होगा कितना प्रॉफिटेबल नहीं होगा, तो डेफिनेटली इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देम एज वेल, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर नोवा की साइट को आप कभी विजिट करें तो यू विल कम इन टू नो कि इट्स द नियरेस्ट सोसाइटी नियर टू M2 मोटरवे, ठीक है। दूसरा, इनका जो इंटरचेंज है वो भी अप्रूव हो चुका है। सो डेफिनेटली डायरेक्ट जो आपको एंट्रेंस मिलेगी इंटरचेंज से मिलेगी और जो ये चीज़ है, दिस हैज़ क्रिएटेड हाइप फॉर नोवा सिटी इस्लामाबाद। सेकंड थिंग जो है मोस्टली क्लाइंट्स का आता है वो ये कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, जो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, तो डेफिनेटली देर आर मेनी रीजन्स फॉर विच यू हैव टू इन्वेस्ट इन नोवा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लोकेशन, जो इनके फीचर्स हैं या जो इनकी डिवेलपमेंट हैं या जो इनके डिवेलपर्स हैं, एवरी थिंग इज़ गोइंग फाइन। जो आज का इवेंट है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमारी समाप्त होंगी और हम अपने नाज़रीन को उसके बारे में आगाह करेंगे कि डेवलपमेंट के हवाले से या जो खुशखबरी या जो भी सरप्राइजेज हैं उनके हवाले से हमें क्या बताया गया है। थैंक यू सो वेरी मच। amanat.com पाकिस्तान फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल, मशवरा अमानत है।